सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एस विश्वकर्मा, आयुर्वेदाचार्य, त्रिवेणी रोड, संगम नगरी, कीड़गंज, प्रयागराज से। मित्रों, हेपेटाइटिस बी निसंदेह रूप से एक जानलेवा बीमारी है और एलोपैथ में एंटीनबी वगैरह दवाई इसकी दी जाती है और लंबे समय तक अगर हेपेटाइटिस बी बना हुआ है तो निश्चित रूप से लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे यहाँ से लगभग 20 वर्षों से हेपेटाइटिस बी की सफल चिकित्सा की जाती है और हेपेटाइटिस बी एक ही क्वेश्चन पेशेंट का बार बार निकल के आता है कि सर क्या हम निगेटिव हो जाएंगे। तो आप निगेटिव हो जाएंगे, हमारे पास उसके रिपोर्ट्स हैं, आप हमसे जुड़िए, हमारे मोबाइल नंबर से जुड़िए 9935668663, उससे आप जुड़ेंगे। आप जो भी रिपोर्ट्स हैं आप हमें भेजें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। मुख्य रूप से तीन तरह के वायरस होते हैं। वायरस तो एक ही तरह का होता है लेकिन तीन कोर में पाया जाता है, हेपेटाइटिस बी, सीएमआई मेथड, एलाइजा मेथड और वायरल मोड। जब इन तीनों के वायरस जीरो होते हैं तो HBsAg का रिपोर्ट निगेटिव होता है, वरना नॉन रिएक्टिव रिपोर्ट तो 2 महीने से 3 महीने में भी आ जाती है। तो नॉन रिएक्टिव का रिपोर्ट जैसे एलाइजा अगर आ जाता है तो इन फ्यूचर आपको लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी जटिल असाध्य बीमारियां नहीं होंगी। हेपेटाइटिस बी वहीं पे रुक जाता है और नॉन रिएक्टिव को कुछ जैसे SPGI लखनऊ में है, वहाँ की कई रिपोर्ट्स हमारे पास आई हुई थी तो उसमें मैंने देखा कि हेपेटाइटिस बी का वायरल लोड जीरो होने पे उसको ही हेपेटाइटिस बी नेगेटिव बोलते हैं। तो ऐसा भी होता है, काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो इन भ्रांतियों को आप दूर करें, हमसे जुड़ें, पूरी जानकारी दी जाएगी और नॉन रिएक्टिव जल्द से जल्द कैसे होता है, आपकी समस्या कैसे दूर होती है, उसको त्वरित जो है उसका समाधान किया जाएगा। निश्चित रूप से हेपेटाइटिस बी कोई इस तरह से कोई हुआ नहीं है, कोई इस तरह से परेशानी की बात नहीं है। जिनको है वो पहले बात पूरी समझें, हाँ, और अपनी समस्याओं को शेयर करें, उनका निदान हम जरूर करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। थैंक यू।